हेलो टीचर्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये वीडियो है। जब मैं बीएड कर रही थी तो मुझे एक भी नोट्स यूट्यूब पे नहीं मिलते थे। ओके, तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। और बीएड के टाइम पे नोट शेयर करना और इधर उधर भागना दौड़ना बहुत हेक्टिक होता है, बिकॉज बीएड बहुत ही हेक्टिक कोर्स है, राइट? तो जब हम लोग बीएड के लिए लेक्चर्स या नोट्स ढूंढते थे तो मैक्सिममली यूट्यूब बुक्स और स्लाइड शोज पे देखते थे। बुक्स में तो मुझे आज तक सेटिस्फैक्ट्री नोट्स नहीं मिले, और यूट्यूब में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे और स्लाइड शोज में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते थे, मगर पूरा लेक्चर या पूरे कॉन्सेप्ट्स कहीं नहीं मिलते थे बीएड के। सो मैंने सोचा एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बीएड के लेक्चर स्टार्ट करूँ और मैं देखूँ कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने ये लेक्चर बनाया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मुझे बीएड पे नोट्स कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं। और अगर आप लोग को और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे, ठीक है? सो सबसे पहले इस लेक्चर को मैं शुरू करूँगी विलियम वुड के नाम से, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन और इनका नाम हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप सीटेट कर लीजिए क्वालिफाई, सेंट्रल का एग्जाम करने के लिए आपको इनका नाम जानना जरूरी होगा, केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको इनका नाम जानना जरूरी होगा, माइट बी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, और मेनी अदर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को इनका नाम जानना जरूरी होता है। और नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारे बिहेवियर टर्म कॉइन करने वाले जेबी वॉटसन। ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बिहेवियर टर्म को पॉपुलराइज किया था। और आप लोगों को तो पता है एज अ टीचर बिहेवियर टर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी पूरी टीचिंग साइकोलॉजी बच्चे के बिहेवियरिज्म पे डिपेंड करती है। और सीबीएसई के रूल्स तो आप जानते ही हो, बच्चों पर आप हाथ नहीं उठा सकते। सो हाउ टू डील विद अ नॉटी किड और हाउ टू डील विद अ स्लो लर्नर, ये सब बिहेवियर स्टडी करने के बाद ही आप कर सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके टीचर्स, बिहेव स्टडी करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट बीएड में ग्रोथ और डेवलपमेंट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस जानना बहुत नेसेसरी है, तभी जाके आप बिहेवियर समझ सकोगे, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी समझ सकोगे। ओके, सो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ओके, छोटा कॉन्सेप्ट है ग्रोथ का, वो आप लोग आगे के पॉइंट्स में पता चलेगा कैसे। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है और कॉम्प्रिहेंसिव भी, क्योंकि डेवलपमेंट में कहीं 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 ना कहीं ग्रोथ भी आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी आप काउंट कर सकते हो। ग्रोथ में क्या मेजर कर सकते हो आप? हाइट, वेट, एक बच्चे का हाइट वेट कितना हुआ ग्रोथ के अकॉर्डिंग पता चलता है। नेक्स्ट क्लास में वो गया कितना हाइट उसका बढ़ा, मोटा हुआ पतला हुआ, ये क्वांटिटी बताता है। और डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव है, तभी मैंने बोला था डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आ जाता है। क्वालिटेटिव कैसे? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके नेचर और उसके इमोशंस और उसके सोशल सराउंडिंग्स मेंटल मेंटालिटी में चेंजेस आते हैं। ओके, तो वो क्वालिटेटिव चेंज हो गया, क्वालिटी में नेचर में चेंजेस हो गया। क्वांटिटेटिव चेंज कैसे? क्वांटिटेटिव चेंज तब होता है जब वो इंक्लूड करता है ग्रोथ के साथ क्वालिटेटिव चेंज। ओके, तो जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ हो जाता है। जैसे भी जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका मेंटल इमोशनल सोशल सब चेंज हो जाएगा बिहेवियर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट एंड्स विद एन अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। ग्रोथ एक जगह एंड हो जाती है, कहाँ पे? जैसे ही आप मैच्योर हुए वैसे ही आपकी बॉडी वहाँ पे रुक जाती है ग्रो करना, या फिर आप ग्रो करते रहते हो बुढ़ापे तक। नो, आपकी बॉडी ग्रोथ एक हाइट तक पहुँच के आप वहाँ से ग्रो करना बंद कर देते हो फिजिकली। लेकिन डेवलपमेंट में इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकता ही नहीं है। कहाँ तक चलता है? स्टार्ट्स फ्रॉम अ वूम, वूम मतलब मदर के पेट से,
आप डेवलप करना माँ के पेट से शुरू हो जाते हो, ओके? आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है और आपके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो आप डेवलप माँ के पेट से शुरू हो जाते हो और एंड एट टूम, टूम मतलब कब्र तक आपके वो डेवलपमेंट रहती है। आप पूछोगे कब्र तक कैसे रहती है मैम? कब्र तक रहती है जब आप डेथ बेड पे रहते हो ना, तो भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहता है। क्या चल रहा होता है? चल रहा था जिंदगी के बारे में, मैंने क्या अचीव किया ये लाइफ में, अब मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाली हूँ, कैसी थी मेरी लाइफ। आपको पछतावा हो रहा है या फिर आपको गर्व हो रहा है अपने जीवन के ऊपर, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो आप डेथ बेड पर भी लर्न कर रहे होते हैं, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये कंटिन्यूस है, ओके? फिर चलिए ग्रोथ पे। ग्रोथ इज मेजरेबल, मैंने बताया था, आप मेजर कर सकते हो, वेइंग मशीन से हाइट नाप सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट विल ऑलवेज प्रोवाइड ग्रोथ, ठीक है? डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो मतलब ग्रोथ भी हो रहा है। किस चीज का ग्रोथ हो रहा है? नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज फिजिकल एंड एक्सटर्नल इन नेचर, क्लियर हो गया? फिजिकल बॉडी, फिजिकल और एक्सटर्नल आप देख सकते हो एक्सटर्नली की ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व कर सकते हो। टीचर होने के नाते अब बच्चे के इमोशनल, मेंटल और बिहेवियर में चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वाइड कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है। क्योंकि आप बच्चों के साथ रहोगे क्लासरूम में, आपका कोई बच्चा बहुत बबली था, एक्सट्रोवर्ट था, अचानक वो शांत हो गया, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या इमोशनल चेंजेस हुआ, कैसे पता चलेगा? आप उसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे बीइंग क्लास टीचर। ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल, ग्रोथ स्ट्रक्चर में है, हाइट, वेट, तो आप उसको स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हो। डेवलपमेंट इज फंक्शनल, फंक्शनल जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, फंक्शन कैसे कर रहा है एक बच्चा, वो सब डेवलपमेंट होते हैं फंक्शनल, ओके? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, और वो हम थोड़ा ग्राफ के मेथड से स्टडी करेंगे, ओके? देखिए पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट वाइडर प्रोसेस होता है, तो मैंने बड़ा सर्कल बनाया, उसके अंदर क्या आता है, ग्रोथ आ जाता है। छोटा सर्कल मतलब पूरा ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर है, ओके? मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ भी हो रहा है किसी ना किसी चीज का, ओके? लेकिन ग्रोथ क्या होता है? सिर्फ मेंटली और फिजिकली होता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सबका ग्रोथ होता है, ओके? ठीक है, अब मैंने दो ग्राफ्स दिए हैं, एक ग्रोथ के, एक डेवलपमेंट के। फर्स्ट ग्राफ में आपने देखा रेड एरो पहले ऊपर जा रहा है फिर वो नीचे गिर रहा है, क्यों? जब एक एज, एडोलेसेंस, मैच्योरिटी तक आपका ग्रोथ बढ़ता जाता है, आपकी बॉडी की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, सो वो एक टाइम तक बड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप मैच्योरिटी लेवल तक आ गए तो आपकी हाइट, आपका वेट, सब कुछ चेंज होने लग जाता है, नीचे गिरने लग जाता है, बुढ़ापा पे जब आप आने लग जाते हो, राइट? तो वो ग्रोथ वापस की तरफ आने लग जाता है, ठीक है? वो फिजिकल चेंजेस है, मैंने बोला ग्रोथ फिजिकल चेंजेस है जो आप देख सकते हो, यस, एक्सटर्नली, तो इसलिए एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब आप हर वक्त अपने वूम से लेकर टूम तक आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके बॉडी में फिजिकल, इमोशनल, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, हर रोज आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। अब हम चलेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला स्टेज है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जो होता है 0 to 2 years, ठीक है? 0 to 2 years तक आप बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हो, ओके? इस स्टेज पे आपके मोटर्स डेवलप होते हैं। मोटर्स क्या होता है? मसल्स, ठीक है? बच्चा चलना सीखता है, बैठना सीखता है, मस्कुलर चेंजेस होते हैं, ठीक है? तो इस एज तक बच्चे के हाथ पांव के मसल्स बढ़ना, चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में दो स्टेजेस हैं, अर्ली 3 to 12, ठीक है? लेटर 7 to 12 चाइल्डहुड स्टेज होता है। 7 to 12 में क्या चेंजेस है? 7 to 12 में आपकी प्यूबर्टी का ऑनसेट, मतलब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी यानी एडोलेसेंस, क्या
एज नज़दीक आने लग जाता है, तब टीनेजर चेंजेस, इमोशनल सर्जेस होने लगेंगे। अब आ जाइए आप एडोलेसेंस स्टेज में। एडोलेसेंस स्टेज होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, 13 to 19 टीनेजर्स, इन्हीं के साथ टीजीटी के टीचर्स को डील करना होता है, जो कि 6 to 10th पढ़ाने वाले हैं। और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे डिफिकल्ट बच्चे होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत डाउटफुल होते हैं अपने लाइफ को लेके, अपने सिचुएशंस को लेकर के। उनके बॉडी में हर तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में टीजीटी टीचर्स को अपने बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई टीजीटी टीचर्स आर कॉल्ड द मोस्ट चैलेंजिंग टीचर्स, जिनको सबसे चैलेंजिंग जॉब्स दिया गया होता है। बाद में 11th 12th के बच्चे में बहुत मेच्योरिटी आ जाती है, उनको पता होता है उनको कहाँ फोकस करना है। बट 6 to 10 बच्चे बिल्कुल अनफोकस्ड और अपने लाइफ के दिशा को ढूंढ रहे होते हैं। आई होप ये जो लेक्चर था, जो मेरा एक्सपेरिमेंटल लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा। ओके, सो मेरे पास जितने भी बीएड के टॉपिक्स हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, तो मैं अगर वीडियोज़ बनाते जाऊँगी, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी यूजफुल राइट फॉर मी ऑल्सो, नहीं तो मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बना लूँगी। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे और आगे की वीडियोस बनाने के लिए।